हेलो भाई, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम इनसाइट के बारे में। इनसाइट क्या चीज़ होती है और इम्पोर्टेंस इसका इंस्टाग्राम के अंदर क्या है, इसी के बारे में डीपली आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसके बारे में जानना है तो आप जो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल मौर्या, यू आर वॉचिंग अ डिजिटल विशाल शो। नो मोर आर वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो इसमें जो है आपको ए टू जेड में आपको बताने वाला हूँ, डीपली प्रैक्टिकली करके भी बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे आप करेंगे, क्या चीज़ करना होगा, क्या चीज़ नहीं करना होगा, जिससे कि जो है आप जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ग्रो कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्रैक्टिकली जो है मैं आप करके बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। चलिए, मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ओके गाइज, चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है करके बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना होगा। तो चलिए इंस्टाग्राम पे चलते हैं। ये इंस्टाग्राम जो है मेरा खुल गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आप अभी फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पे तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा ए टू जेड आपको। तो लिंक जो है इसका आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और सीख सकते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो हम बात करने वाले हैं इनसाइट, इनसाइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इससे ये पता चलेगा आपको कि मतलब आप जो है इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं, जिसे रिजल्ट आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसके बारे में आपको जानने को मौका मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोफाइल पे जाना है और उसके बाद में देखिए इस तरीके से आपका ओवरव्यू दिखेगा। इस डैशबोर्ड में आपका देखिए एडिट प्रोफाइल दिखा रखा है, प्रमोशन, इनसाइड एंड कॉन्टैक्ट। आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इसमें दिखेगा, या क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए जिस पर आपको ये दिखेगा आपका। तो यहाँ इनसाइट पे आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद में इस तरीके से आपका एक ओवरव्यू दिखेगा जिसमें आपको दिखाएगा, पता चलेगा कि इसमें जो है फीड में जो आपने पोस्ट करा उसमें कितने लोग आप लोगों के पास पहुंचा है, ये कितने लोग देखा, लाइक कमेंट, जो सारी चीज़ें देखिए। स्टोरी का भी है और उसके बाद में फीड का भी, दोनों का आपको मिल जाएगा इसमें। अगर सी आल करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने जितने आपका लोगों के पास ये पहुँचा पोस्ट, उतने सारी चीज़ें दिखा रहा है वो। आगे ऊपर आपका देखिए ये जितने सारे पोस्ट हैं, जितने लोगों के पास पहुँचा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वैसे पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों, जब आप पोस्ट करते हैं तो साइड में आपको दिख जाता है कि देखिए यहाँ पे व्यू इनसाइड और प्रमोट। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए रीच, इतने लोगों के पास ये पहुँचा है, 7 लोगों ने लाइक करा है और जो शेयर जो है आपका करा है, ये कमेंट करा है जो आपने 4 लोगों ने, ये आपका एक पोस्ट का जो है आपका ये दिख गया इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये आपका होल जो है आपका इंस्टाग्राम जो आपका अकाउंट है उसके बारे में जानने के लिए आपको आगे मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको देखना है। ये कंटेंट हो गया आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गया, फीड और स्टोरी का सारी चीज़ें यहाँ पर दिख गया, ठीक है। ऐसा लाइक जो स्टोरी का है सीआल करेंगे, अब देखिए स्टोरी में भी मतलब सारी चीज़ें वही सेम चीज़ है, स्टोरी कितने लोगों के पास पहुंचा है, कितने लोगों ने देखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहां से जानने को मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक्टिविटीज़ में देखिए डिस्कवर हुआ इतना ज्यादा 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, रीच इतने लोगों के पास पहुँचा है ये, ठीक है। इम्प्रेशन इतना आप 581 लोगों ने इम्प्रेशन दिया आपका, इंट्रैक्शन जो हुआ है आपका ये देखिए 12 अगस्त से 18 अगस्त तक के बीच में, प्रोफाइल विजिट जो है इतना लोगों ने करा है, इसमें जो आपका डेट दे रखा है, एवरेज दे रखा है, सारी चीज़ें आपको जानने को है यहाँ पे। यानी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों को देखिए, ये डे वाइज आपका आ गया, कितने लोग कितने तरीक को आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, ये देखिए इतने लोगों के पास है पहुंचा, इम्प्रेशन इतना मिला है आपका। उसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट है आपका
ये तो हो गया एक्टिविटीज। उसके बाद में देखिए साइड में लिखा हुआ है ऑडियंस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डीपली पता चलेगा किस तरीके से लोग जो है आपको टोटल फॉलोअर्स मेरे जो है दिखा रहे 32 34 दिखा रहा है अब तक की जो है। अब देखिए ओवरऑल जो है आपका दिखा रहा है, अनफॉलो जो है मुझे एक लोगों ने करा है, फॉलो एक लोगों ने करा है अभी आपका। ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट अभी शो नहीं कर रहा है, अभी कुछ दिक्कत चल रही है, पोस्ट नहीं शो कर रहा है। अब इसमें देखिए अब आपका सारी चीज़ें इसमें बता रखा है कि कितने डेट को क्या है, किस दिन पे कितना लोगों ने आपको फॉलो करा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए फ्राइडे को मुझे जो है अनफॉलो करा 3 लोगों ने, फॉलो करा 3 लोगों ने, इस तरीके से ट्यूसडे को देखिए ट्यूसडे को जो है अनफॉलो करा मुझे 2 लोगों ने, फॉलो करा मुझे 4 लोगों ने, ओवरऑल 2। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने का मौका है, इससे ये पता चलेगा कि किस दिन जो है आपको ऑडियंस जो है आपका ज़्यादा इंगेज होता है, उस हिसाब से जो है आप जो है अपना पोस्ट जो है उसी दिन डालेंगे, उसी टाइम पे आप डालेंगे तो उससे जो है ज़्यादा लोगों के पास पोस्ट पहुँचेगा, तो ज़्यादा आपका इंगेजमेंट मिलेगा, तो लाइक और कमेंट फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके। अब देखिए उसके बाद में आता है टॉप लोकेशन। अब देखिए पहले इसमें सिटी का नाम आ रहा है, जैसे दिल्ली में मेरा पोस्ट ज़्यादा है तो दिल्ली के लोग ज़्यादा फॉलो कर ले, मुंबई है, फिर पुणे है, गुजरात है, कोलकाता है, वैसे उसके बाद में देखिए अब कंट्री जो है हम इंडिया में ज़्यादा डील करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, फिर ब्राज़ील के लोग भी देखा है, यूनाइटेड स्टेट भी देखा है, नाइजीरिया भी देखे हैं, बांग्लादेश के लोग भी देखे हैं, इस तरीके से आपको मैं मतलब प्रॉपर तरीके से जानने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा कहाँ पर आपको क्या करना है, किस हिसाब से आप पोस्ट डालेंगे, कब कब डालेंगे, सारी चीज़ें आप। उसके बाद है एज रेंज। अब देखिए इसमें टोटल दिखा रहा है एज रेंज सब, तो 13 to 17 इतने लोग देखा, 18 to 14 सबसे ज़्यादा लोग देखे हैं इतने एज के, फिर 25 से 34 तक लोगों ने देखा, फिर 35, 34, 45, 54, 56, 64, 60 किसी ने नहीं देखा। अब देखिए इसमें मेंस और वुमेंस भी आप देख सकते हैं, मेंस का इंटरेक्शन ज़्यादा आया होगा वुमेंस के उससे, तो देखिए अभी वुमेंस करेंगे तो इतने लोगों ने वुमेंस में देगा आपका सारी चीज़ें। उसके बाद में आपका नीचे जो आएंगे उससे जो है आपका जेंडर है, जेंडर में देखिए इतने परसेंट वुमेन ने देखा है, 85% मैन ने देखा जेंडर आपका। आप देखिए नीचे फॉलोअर्स में आपका देखिए आवरली, यहाँ पे जो है आवरली 12 AM, 3 PM, 6 PM, 9 AM, PM इतना अपडेट हो रहा है। अब देखिए जो मेरे पोस्ट सारे दिख रहा है तो 12 AM पे थोड़ा कम थे, 13 पे 6 AM, 9 PM में देखिए अपग्रेड हुआ, 12 PM यानी 13 PM, 16 PM, फिर 9 PM यानी मॉर्निंग टाइम में जो है आपका देखिए यहाँ पे नहीं ज़्यादा इंगेजमेंट आ रहा है, इवनिंग में जो है 9 PM को ज़्यादा इंगेजमेंट आ रहा है, ये ट्यूसडे का है आपका। और वेडनेसडे पे देखिए इस तरीके से आपका आ रहा है, इतना इतना टाइम पे इतना इतना लोगों ने ज़्यादा इंगेजमेंट दिया, रीच पोस्ट पहुँच रहा है, फिर फ्राइडे को देखिए इतना, सैटरडे देखिए 9, 12, 13, 16 सारे बराबर हैं, संडे को देखिए 12 AM मतलब रात का है सुबह नहीं है, फिर 9 AM से स्टार्ट हुआ है, 12 PM में फिर ज़्यादा हो गया 13, 14। इस तरीके से आप जो है अपना कैलकुलेशन मिला सकते हैं किस दिन जो है किस टाइम पे आपके ऑडियंस जो है एक्टिव हैं या आपको ज़्यादा इंगेज्ड हैं, उस टाइम पे आप जो है अपना पोस्ट डाल सकते हैं, उस बिहाव पे आपका इंक्रीमेंट आपको मिलेगा और ग्रोथ जो है अच्छे तरीके से होगा। ये तो होगा आवरली आपका हो गया, उसके बाद में डे वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ट्यूजडे इतना हुआ आपका, फ्राइडे इतना, इस तरीके से देखिए इतने लोग जो है आपका इस तरीके से इंगेजमेंट मिला। तो ये सारी जो होल चीज़ें थी इसमें जो है आपका इनसाइड का बहुत बड़ा रोल है इसमें, मतलब एक किस्म का इसे कहते हैं कि माप लेना, तो इस तरीके से आपको माप ले सकते हैं अपना जो है आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर आपका कितना रिजल्ट मिल रहा है, कितने लोगों के पास पोस्ट पहुँच रहा है, कितने लोग आपको मतलब
इंगेजमेंट हो रहे हैं या आपका जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, तो ये इनसाइट का जो है इंस्टाग्राम में बहुत बड़ा रोल है। और इससे जो है आप अपना पोस्ट टाइमिंग और जो है जो कंटेंट आप बना रहे हैं लोगों को दे रहे हैं वो चीज़ें कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर और जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं उस पर और वर्क कर सकते हैं अच्छे से, जिससे कि जो आप लोगों को बताना चाहते हो, जो आपका नीश है आपका अकाउंट का, वो जो नीश है लोगों के पास पहुंचा रहे हो आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है लोग आपको समझ पा रहे हैं किस भी हाँ पे जो है आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो, प्रमोट करना चाहते हो जो चीज़ है वो सारी चीज़ें समझ में आ गए हो। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को समझना है प्रॉपर तरीके से और काम करना है आपका, इस तरीके से आप जो है अपना इंस्टाग्राम जो है आपका अकाउंट जो है आपका वर्क करना है और प्रॉपर तरीके से जो इनसाइट का यूज करके आप जो अपना पोस्ट जो है और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, डे सेट कर सकते हैं इस टाइम पे आप पोस्ट करेंगे जो आपका इंगेजमेंट और रीच जो है जा। ओके गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है और किस तरीके से करना है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको मैं डीपली बता दिया हूँ इसमें। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो मैं है आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि जो है इनसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें करने से आपको ग्रोथ मिल सकती है इंस्टाग्राम के अंदर अच्छी तरीके से, तो उनके साथ भी शेयर करिए और लोगों को बताइए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको। एट लास्ट में ये चीज़ें कहना चाहूँगा आप लोगों से कि लर्न पॉजिटिव एंड अप्लाई पॉजिटिव एंड शेयर पॉजिटिव। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।